गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नया दिन। आज डेट है 7th of April। बाकी ये मतलब हमारे वॉशरूम्स एंड बाथरूम है हॉस्टल के, अभी हम यहाँ पे ब्रश वगैरह करने आए थे। इट्स संडे मॉर्निंग तो हम थोड़ा सा लेट उठे हैं। बाकी आप देख लो बाहर का कुछ कुछ ऐसा, बढ़िया धूप निकली हुई है। ब्रेकफास्ट में पाव भाजी बने हुए हैं तो हम वो खाने जा रहे हैं। चलिए दिन की स्टार्टिंग करते हैं। ये 10 day कॉलेज ब्लॉगिंग का day 6, लेट्स गो। गाइस हम तो ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं। मैं और यही है वो वाला बंदा थोड़ा सा हमारे से आगे चलता दुनिया से। बाकी पता नहीं यहाँ पे शेड्स ही लगा दिए ब्रेकफास्ट वाले में इसके सामने। ये किस लिए, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं पता नहीं। बाकी इतनी जगह पे छाया प्रोवाइड कर रही है, बस इतना तो है इसका। से जोड़ रहे हैं कौन से, इस वाले से डायरेक्ट बच्चे आ जाएंगे क्या? डायरेक्ट सही है। चलो दिखाता हूँ आपको ब्रेकफास्ट में क्या है। जब भी गाइस काफ़ी ज़्यादा लड़ाई के बाद हमें ब्रेकफास्ट मिल चुका है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और आज पता नहीं क्या क्या था। बाकी ब्रेकफास्ट में ये दूध है, ये पाव भाजी है और ये केले हैं और ऐसे ही कुछ कुछ इनका भी। और इनके पास चौकोस भी एक्स्ट्रा, ये अलग चीज़ है चौको। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपको अपडेट देंगे जैसे भी है। गाइस एक फैसिलिटी है हमारे कॉलेज में, देखो किसी को कुछ सामान भेजना हो ना नीचे, देखो 12वें फ्लोर से नीचे ये बंदा दिख रहा है आपको, बंदर सा मतलब ये बंदर निकल गया भाई मुंह से। तो ये देखो ये हमने सामान रख दिया है, फेंक दो। अबे लाना छोड़, अबे छोड़। तो देख तो देख तो लेते, दिख रहा कहाँ है? नीरा फेंक दे बेटा भाई। हाँ ये ले भाई, ले फेंक रहा हूँ। हाँ ओले शॉट है भाई। डिलीवरी चार्ज? अरे चलो कोई बात नहीं, ये फैसिलिटी बस आपको बैनेट यूनिवर्सिटी में ही मिलेगी, कोई बात नहीं। गाइज अभी अराउंड 2 बज रहे हैं, हम तो जा रहे हैं लंच करने के लिए क्योंकि ब्रेकफास्ट करके काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। ये बंदा भी हमारे साथ जा रहा है इस बार, दूसरा बंदा नहीं जा रहा। ऐसे क्यों करते हो? ओ दिस इज सो नाइस, कोई बात नहीं। बाकी ये बंदा तो हमारे साथ हमेशा रहता ही है, सही रहता है। फिर अभी लिफ्ट बुला ली है, ये लिफ्ट आज साफ करिए, डिस्प्ले के ऊपर से हटा दिए क्या? ये जो चिपका रहता है तो सही कर रहा है इन्होंने, वैसे बहुत बदला लग रहा था। कोई बात नहीं, चलते खाना खाने फिर आपको बताऊंगा जैसे भी जो भी सीन होगा। बाय। बाकी छाता ले लिया, धूप क्यों है बोल रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत है। चलो बताता हूँ जैसे भी जो भी सीन होगा। गाइज हम लंच करने आ गए थे, तो लंच का अपडेट कुछ ऐसा है। ये सोया चाप बनी हुई है, ये चावल है, ये राजमा है, ये दही है, ये चॉप डनियन है, ये रोटी है और सांभर का ऑप्शन भी मैक्सिमम टाइम रहता है ये लंच में। तो इन्होंने सांभर ले लिए, इन्हें राजमा पसंद नहीं है, ये बीन्स की सब्जी भी थी। बाकी ऐसे ही सबका खाना है, खाना खा लेते हैं उसके बाद आपको अपडेट देंगे जैसे भी होगा। तो जब तक के लिए अनुमति दें। गाइस खाना तो हमने खा लिया, अब हम जा रहे हैं इस बंदे का कोरियर लेने। उसने कुछ ऑर्डर किया था क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, शांत रहे। तो अब हम जा रहे हैं ऑर्डर लेने के लिए। बाकी इस वाली रोड पर ये वही है एन ब्लॉक के साइड वाली रोड, और बाकी यहाँ पे पानी वानी डल रहा है पौधों में क्योंकि अगर इंसान को प्यास लगती है तो वो खुद पानी पी सकता है। पौधे कैसे पियेंगे, इंसान ही तो पिलाएंगे, शांत रहो ठीक है। वैसे काफ़ी सही स्मेल आ रही है ना मिट्टी की, तेरी मिट्टी। अच्छा चलो हाँ चलते हैं, हम ऑर्डर लेते हैं फिर आपको बताएंगे जैसे भी जो भी सीन होगा। ओके गाइस इस बंदे का हमने कोरियर तो ले लिया है, प्रतीक दिखा दो। ये देखो ये ओपन बॉक्स डिलीवरी थी तो उन्होंने वहीं पर ओपन कर दिया इन्होंने। वैसे वहाँ पे आपको एंट्री भी करनी होती है, आपने क्या मतलब कौन सी ब्रांड से मंगाया सामान और अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह थोड़े बहुत। लेकिन धूप बहुत हो रही हो, वो ऊपर से फ्लैश लाइट ऑन हो गई थी ना तो उसे बंद कर रहे थे हम। चलते हैं रूम में, उसके बाद आपको अपडेट देंगे जैसे भी जो भी होगा। आज तो संडे है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली, सही है ना? नहा लिया जब? सही करा तुम? हाँ 5 बजे ना लिया था सुबह, लग नहीं रहा है। गंदे इंसान को दूसरे लोग गंदे ही दिखते हैं, ऐसे मत करा करो। चलो फिर गाइस अभी हम रूम में जा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर हमारे यहाँ पे कॉलेज में कोई चीज़ खो जाती है या फिर आपको मिल जाती है ना तो आप लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पे सबमिट कर सकते हैं और खोई हुई चीज़ को जहाँ पे आके ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आके मिल जाती है वो, आपकी कुछ एक दो चीज़ें पूछते हैं इन्फॉर्मेशन और उसके बाद आपको मिल जाती है वो चीज़। बस आपको बताना होता है कहाँ से मतलब किसी ने उठाई होगी या फिर कहाँ पर आपने छोड़ दी थी, इससे कोई मतलब की बात है नहीं। और बाकी अब हम जा रहे हैं रूम में। ये C5 है, ऐसी गाड़ी होती हैं जो हमें कॉलेज में छोड़ देती हैं कहीं कहीं पर, हमें मिलती नहीं है, पता नहीं कहाँ पे रहती हैं काम के टाइम। हम तो चले रूम में, उसके बाद आपको अपडेट देंगे जैसे भी होगा। गाइज मैंने आपको एक ब्लॉग में
मैंने एक ब्लॉग में आपको बताया था कि ये ना ऐसी एक बड़ी बालकनीज भी होती हैं, जैसे कि हमारे वाले फ्लोर पे छोटी बालकनी है ना, तो यहाँ पे बड़ी वाली बालकनी है। ये मतलब अभी फर्स्ट फ्लोर है, हम किसी और ब्लॉक में आए हुए हैं, हमें खुद नहीं पता कौन सा है। बाकी बिल्डिंग बन रही है, मैंने दिखाया है, ये देख लो ऐसे ऐसे कुछ है, ये मैस है। ये मतलब काफ़ी बड़ी बालकनी है, छोटी बालकनी ऐसी होती है ऊपर दिख रही है ना आपको, इतने छोटे से एरिया होता है, ये वाली बालकनी काफ़ी बड़ी होती है। ना सही रहता है ये वाला एरिया, देख लो कितना एरिया है, काफ़ी ज़्यादा एरिया है। अभी तो हम चलेंगे, फिर बताएंगे आपको जैसे भी सीन है, जो भी होगा। ओके गाइज, अभी अराउंड 7:15 हो रही है शाम के, और अभी हम शाम मतलब 5 के आसपास हो गए थे, 4:30 या 5 के आसपास, एक 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद अभी रूम वगैरह क्लीन करा है, काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो अब रूम तो क्लियर हो गया है। ये बंदा कुछ कुछ कर रहा है, क्या कर रहे हो प्रतीक? अरे बता दो, ये कुछ गेम डाउनलोड करने की ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ये आप, ये भी कुछ कुछ ट्राई कर रहे हैं। गाइज़ एक बात बता देता हूँ, देखो कोई नया बच्चा जो अभी आ रहा है ना, और वो मतलब है कोई नया बच्चा आ रहा है और वो सोच रहा है कि मतलब अभी टाइम है कॉलेज के एडमिशन्स के लिए, तो मतलब इस पेड टाइम में वो क्या करे, तो आप एक काम कर सकते हो, कोडिंग लैंग्वेज वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्टिंग में जो सबसे ईजी कोडिंग लैंग्वेज होती है ना, वो पाइथन होती है इस बंदे के अकॉर्डिंग। मतलब मुझे भी लगा कि पाइथन ज़्यादा ईजी है, क्योंकि पाइथन हमने 11th और 12th में पढ़ ली थी, मतलब मैंने पढ़ ली थी और इस बंदे ने, क्योंकि हम CBSE बोर्ड से और हमने कंप्यूटर साइंस ली थी 11th और 12th में, तो हमने तो पाइथन पढ़ रखी थी, तो हमें तो फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। प्रतीक इसे म्यूट कर दो थोड़ी देर के लिए, काम की बात हो रही है। हाँ, और दूसरी बात, जैसे कि अब हमारा सेकंड सेमेस्टर है, तो अब हम जावा पढ़ रहे हैं, तो जावा में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है पाइथन की वजह से। लेकिन अगर मतलब कोई और कोडिंग लैंग्वेज अगर पढ़ रखी होती, जैसे कि इस बंदे ने जावा पढ़ रखी थी, तो ऐसे पाइथन में मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, वो बस क्या होता है कि सिंटैक्स इधर उधर होता है थोड़ा बहुत, बाकी तो मतलब मोस्टली कोडिंग लैंग्वेज सेम होती है। जो C++ और C करके आते हैं उन्हें जावा आसान लगती है, प्रतीक ऐसा ही है ना? और बाकी इस बंदे को पाइथन आसान लग रही थी, मतलब किसी को सही से जावा आती हो तो पाइथन तो कर ही लेगा ना, और पाइथन आती है तो जावा के लिए बस थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि पाइथन थोड़ी सी ईजी होती है और जावा मोर स्पेसिफिक हो जाती है हर चीज़ के लिए। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हो, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा एड ऑन था, मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि अभी है 3-4 महीने आप लोगों के पास। और बाकी सही है, मैं दिखाता हूँ आपको जो भी सीन होगा। बाकी अभी रूम क्लीन करवाने के लिए भैया बुलवाए हैं, क्योंकि ना इस हफ्ते हमारा रूम क्लीन हुआ ही नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आपको मतलब चाहते हो कि रूम क्लीन हो जाए आपके अकॉर्डिंग, तो उनका एक नंबर है, उस पर बस व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर दो रूम क्लीन और अपना रूम नंबर, वो आ जाते हैं जितनी भी देर में आएंगे, और आपका रूम क्लीन हो जाता है। वैसे वेडनेसडे और सैटरडे को तो क्लीन होता ही है, पर अगर बाई चांस रह गया हो तो करा सकते हो आप ऐसे। बढ़िया है, बताता हूँ आपको जैसे भी जो भी सीन है। अभी तो मैं बर्तन धोने जा रहा हूँ, ग्लास वगैरह और कुछ एक दो चीज़ें, उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ। कुछ बोलना तो नहीं आपको? जय हिंद। आपको? जय हिंद। गैस मैं तो जा रहा हूँ अभी खाना खाने, लगभग 8:30 या 9 बज रहे हैं। बाकी आपका स्कूल बैग दिख रहा हो मेरा, तो ये एक्चुअली मुझे कुछ इक्विपमेंट्स लेने थे, मुझे वीडियो शूट करनी है आज एक, तो उसके लिए भी ब्लॉग जाऊँगा, वो दिखा दूँगा अगर वीडियो शूट करी तो। बाकी अभी तो ये मैस में मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, और आपको बताता हूँ जैसे भी जो भी सीन होगा, और खाना वगैरह दिखा देता हूँ। बढ़िया, और बाकी तो रात हो गई है, देख लो आप, तो ज़्यादा दिखाता हूँ चलो जैसे भी है। गाइस डिनर का सीन कुछ ऐसा है, ये देखो आलू की सब्जी है, ये चावल बने हुए हैं, ये एग करी है, ये सिरका अनियन है, और ये गुलाब जामुन है, और बाकी रोटी एज यूजुअल है ही। तो खाना खा लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा जैसे भी होगा। और बाकी यहाँ पे मैच चला के रखते हैं, खाना खाते खाते आप मैच भी देख सकते हो, बताता हूँ उसके बाद। गाइस खाना तो मैंने खा लिया था, मैं तो बी ब्लॉक आया हूँ, यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए किसी रूम में जाना है। अभी ये कोई बंदा आ रहा है, उससे आपको डायरेक्ट मिलवाई दूंगा। बाकी ये बोर्ड लगा हुआ है, और पता नहीं आज काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है कॉलेज में, देख सकते हो आप यहाँ पे भी, और पीछे तो हो ही रही है। सही है, बताता हूँ आपको जैसे भी जो भी होगा। गाइस एक्चुअली हम बी ब्लॉक में हैं, ये 3rd फ्लोर है, और ये बंदा आज आपको बताएगा क्लब्स एंड सोसाइटीज, क्लब्स एंड चैप्टर्स। हाँ, तो बाकी आप कैबिनेट में क्या हो बता दो। कैबिनेट में ऐसे इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेल करके बॉडी एक और, मैं उसमें एक मेंबर हूँ। नाइस, मतलब पहुंची हुई चीज़ है बंदा, समझ सकते हो। मतलब कैबिनेट की पावर आप ये समझ लो, ये बी ब्लॉक है और ये 3rd फ्लोर है, और लगभग रात के अभी 10:30 मान लेते हैं, और इनके पास मतलब ऑलमोस्ट हर रूम का एक्सेस है, ये कहीं भी जा सकते हैं अपना चिल करो। कोई शाम से लेकर शाम के 5:30 जो जो क्लास खत्म होती है, सुबह 8:30 शुरू होती है उस पूरे टाइम, इनकी कॉलेज में चलती है, पैसे मान सकते हो। अरे अरे, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी लैब्स वगैरह हैं, अभी हम एक रूम में बैठेंगे और इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे क्लब से रिलेटेड, ये बता देंगे सब कुछ, आप देख सकते हो उसे। बाकी ठीक है, ओके।
ये वाला रूम मतलब उस वाले लड़के ने मतलब मांगा है वीडियो बनाने के लिए। बाकी प्रोजेक्टर्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। ओ एसी ऑन करवा दिया, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सही है, कैबिनेट में होने के फ़ायदे तो हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब ये जो है जगह ये है आपकी, मैं बता देता हूँ। मैंने आपको कभी कभार LRC दिखाई होगी ना, ये देखो ये पेड मेस दिखाया है, ये पेड मेस उसके जस्ट सामने है, थर्ड फ्लोर पे है। बाकी सही है, इसमें भी मतलब ट्यूटोरियल्स वगैरह क्लासेस वगैरह होती हैं। हमारी नहीं होती, बीटेक वालों की मतलब होती होंगी, हमारे ग्रुप की नहीं होती, ग्रुप की मतलब बैच की जैसे भी समझो आप। बाकी वीडियो शूट करते हैं अभी, बताऊँगा आपको जैसे भी जो भी सीन है। ये AC, हाँ सही करा आपने काफ़ी ज़्यादा। चलो वीडियो शूट करते हैं, बताते हैं फिर आपको। गाइज अभी रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं, वो वीडियो शूट आउट वो वीडियो शूट करके हम वापस रूम पर आ गए थे। वो एक्चुअली बी ब्लॉक था, मैंने आपको पूरा दिखा दिया ब्लॉक में, आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी ये लोग भी यहीं बैठ गए हैं, ये वहाँ पे हमारी ऑडियंस थी। काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी और काफ़ी सारी चीज़ें आप भी सीखोगे वीडियो को देख के ऑफकोर्स। और आज का दिन बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। सुबह देखने वाले को गुड मॉर्निंग, शाम को देखने वाले को गुड इवनिंग, और आपको देखने वाले को गुड नाइट। बाय बाय सो ड्रीम्स।